हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने अपना घर बना लिया था और हम लोगों ने अपना घर काफ़ी लाइट वाइट सजा दी थी और टेबल उबल लगा दी थी, बेड उड। तो चलो बाहर चलते हैं, बाहर का दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे गाइस, जब मेरे पत्थर पक रहे थे, जब आप लोगों को याद होगा कि पत्थर पक रहे होंगे मेरे ढेर सारे, मैं तोड़ के लाया था। तो मैंने यहाँ पे तब तक मैंने यहाँ पे ये बना दिया था और कवर कर दिया था अपना, ताकि मेरा एक रूम सा बन जाए। और इस रूम का मैं क्या करूँगा, तो मेरे जितने भी सारे विलेजर हैं मैंने लोग को अपने रूम में ला के रख दूंगा, ताकि मैं एक ट्रेडिंग हॉल बना सकूं। मगर ट्रेडिंग हॉल मैं अभी नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा ट्रेडिंग हॉल। तो यहाँ पे ये जितने भी विलेज में जितने बैठे थे, मैं सब तोड़ ताड़ के ले आया था और मैंने यहाँ पे लगा दिए थे। तो चलो चलते हैं, और यहाँ पे हमारी भेड़ बकरियाँ हैं, इन लोग को खाना खिला देते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने इन लोग को खाना खिला दिया। इन लोग को खाना खिला दिया, भैया भेड़ बज्जी, भैया खाना खा लो, तुम भी खाओ जल्दी फटाक से। कोई बचा है? वो बची है गैया। और गैया आगे आ जा, खाना खा ले बेटे, बेटे आओ खाना खा लो, हम ही आ जाते हैं खिलाने तुम्हें। चलो सबने खा लिया खाना, एक बार देख लें जरा सबने खाया नहीं खाया, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। खा लिया सबने? हाँ खाओ, और जनसंख्या बढ़ाओ अपनी। तो यहाँ पे मैं बाहर को आया और मैंने यहाँ पे, ये मेरे से गलती से खुद गया, मैंने गलती से खुदा, लेकिन सही लग रहा तो मैंने यहाँ पे खुदा। और यहाँ पे मैंने ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास करा, खोद दिया। तो यहाँ पे मैं खोद रहा था तो मैंने देखा ये हमारे कासल के पिलर में, इसमें गेट ही नहीं है, तो अंदर कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गेट बनाया और ऊपर हमें एक छत बनाएंगे, ताकि कुछ ऊपर रख सकें। तो यहाँ पे मैं फटाक से अंदर गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली गिर रही थी, मैंने जब बारिश रुकेगी तब आऊँगा। तो मैं यहाँ पे आ चुका था गाइस। तो यहाँ पे एक ये विलेजर दिखा, मैंने सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, इसी को रखेंगे अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर। तो यहाँ पे इस मट्टी के अंदर से जा नहीं पाएगा, तो मैं पहले से आगे लेके जाता हूँ। मैंने सोचा यहाँ से गद्दा करो, आगे से लेके जाऊँगा इसे मैं। तो मैं आगे लेके आया फटाक से, बोर्ड देख रहे हो गाइस, मट्टी में भी चला दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैंने इसको करा फटाक से, इसको घर पे लेके गया, घर पे नहीं ट्रेडिंग हॉल में लेके गया फटाक से। और यहाँ पे मुर्गी उर्गी बैठ रही थी बोटों पे, तो मैंने मार दी। तो यहाँ पे लेके आया तो इजीली, ये तो गाइस इजीली आ गया अंदर। तो मैं इसे लेके आया फटाक से, और यहाँ पे बैड उड, बैड उड है तो अपना यहीं पे रिस्पॉन पॉइंट, मतलब इसका क्या रिस्पॉन पॉइंट, ये अपना यहाँ पे चेक पॉइंट कह सकते हैं। हाँ अपना चेक पॉइंट बना लेगा, इधर ही रहेगा ये, और हम लोग वैसे भी डोर लॉक कर देंगे, एक आयरन का डोर बनाते हैं हम लोग गाइस अंदर चल के, ताकि आयरन के डोर ये लोग खोल नहीं पाते हैं। हम लोग बटन बना के लगाएंगे ना दरवाज़ा, तो ये लोग खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोग को बटन दबाना नहीं आता, अनपढ़ हैं ये लोग, जाहिल अनपढ़ जाहिल हैं ये लोग। तो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया और मैंने बटन पहले से ही लगा दिए थे, तो अब हम ही लोग खोल सकते हैं, ये लोग बस अंदर फंसे रहेंगे। अब इन लोग को जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं ला के दूंगा, तुम लोग अंदर बैठो बस। अंदर बैठ, आके घूर कैसे रहा तू, ऊपर पलंग पे चढ़ जा, देख कलरफुल बेड बना रखे हैं तेरे लिए। तो यहाँ से हम लोग ऊपर आए फटाक से, ऊपर चल रहे थे, दरवाजा बंद हो गया गलत टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने एक और विलेजर ढूंढ लिया था, हमारे गांव के विलेजर यहाँ लुप्त हो रहे थे, इसलिए मैंने फटाक से मैंने ये चीज़ करो, कहीं सब गायब हो जाए तो पता नहीं क्या ही होगा, सब पता नहीं कहाँ गए विलेजर। तो मैंने यहाँ पे इसको भी लाने फटाक से लाया, मैं से यहाँ पे गड्ढा करा, ताकि इस पे चल पाए बोट अपनी। तो मैं रेस थ्री का सलमान खान बन के इसको लेके जा ही रहा था, और मैं फटाक से मैंने यहाँ पे, मैंने चलो उतर के ही करता हूँ, फटाक से हो जाएगा शायद। और यहाँ पे मैं गड्ढे करते करते आया, तो मैंने ये देखा यार, मैंने ये क्या हो गया। तो इसको लाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ये तो उसकी तरफ आएगा नहीं आराम से, और वो ऊपर ही को था। मैंने यार गेट भी नहीं तोड़ सकते हैं, वरना वो भाग जाएगा। और ये ऊपर ही आ गया, देखो गेट तोड़ने का नाम भी, और मालिक ऊपर आ गया। मालिक तुम ऊपर क्यों आ रहे हो, तुम नीचे ही रहो, हम तुम्हें सही कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अंदर जाने की सोचा, मैंने सोचा कुछ करते हैं, लेकिन मैंने मेरे दिमाग में फिर एक ख्याल आया, मैंने क्यों ना एक रूम सा बना दूँ और उसके अंदर ला के रख दूंगा, रूम से बाहर निकल नहीं पाएगा वो, सीधा एक जो जहाँ उसको जगह दिखेगी वहीं को जाएगा वो सीधा। तो मैंने वही करा, मैंने यहाँ पे एक रूम बनाया, छत बनाई थी, छत बनाने की खैर जरूरत थी नहीं, मैंने फिर भी बना दी फालतू में। तो मैंने यहाँ बनाने से पहले मैंने सोचा उसको ले ही आऊँ, तो मैंने यहाँ पे बस एसी रखा,
आप एक हफ्ते में बस, अब नहीं रखूंगा, अब उसको लेके ही जाऊंगा मैं सीधा, फिर बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है। तो यहाँ से हमें डट भी मिल गई थी, मैं उसको लेके गया और यहाँ पे आगे लेते आए लेते आए। देखो इतनी जल्दी घास भी उग जाती है, बढ़िया है। लेकिन मैं यहाँ पे लाड़ता था, ये फंस गया यहाँ पे, मेरे को वाला ब्लॉक भी तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसे तोड़ा, अब तो आराम से जा रहा चला गया। तो यहाँ पे मैं ले आया और इससे आगे जा ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों। उससे आगे चले आते तो मेरे को ज़्यादा दीवार खड़े करनी नहीं पड़ती। चलो कोई नहीं, हम यहीं पे रख कर देंगे जो करना होगा। तो यहाँ पे मैंने दो वॉल लगाई और वहाँ पे बस इतनी में से नहीं निकलेगा, हाइट इतनी इतनी बहुत हो गई, नहीं निकलेगा उसके में से। यहाँ से मैंने एक ब्लॉक हटा और यहाँ से एक एक और, बस अब नहीं निकल पाएगा ये। अब मेरे को बस ये तोड़ना होगा दरवाजा, दरवाजा तोड़ना होगा। और रात हो गई गाइस, रात हो गई, शाम हो गई है। उसको अपना बेड दिख चुका है, ये भी सोने जाएगा। जाओ बेटा अंदर, तुम्हारे लिए कमरे भी चला रखे हैं। ये भी अब चले आएगा, सो जाएगा। वाला भी सो गया होगा, एक तो सो गया। ये देखो देखो, ये सोएगा या नहीं सोएगा, देख लो भाई। सो गया भाई, ये भी सो गया। चलो चलते हैं फटाक से अंदर घर में, हम भी सो जाएं जरा। पहले ये सब हटा देता हूँ शाम जाम। तो गाइस हम लोगों ने सुबह उठ गए थे और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे सीढ़ी बना दी थी लंबी, मैंने दो लगाई थी, मगर मैंने पूरा ऐसे रास्ता सा बना दिया ताकि हमारा घर बढ़िया लगे। और यहाँ पे हम लोगों ने दो ब्लॉक मिले थे गोल्ड के, वो भी लगा दिए ताकि हमारी एंट्रेंस बिल्कुल VIP लगे, एकदम महल जैसी। तो अभी तो आधा अधूरा महल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमारा 5% महल बना होगा, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आया, थोड़ा बहुत शुगर केन लगा था, तो मैंने यहाँ पे सब शुगर केन तोड़े और सब लगा दिए, तोड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिए, ज़्यादा मिल जाते हैं ना वैसे, तो मैंने लगा दिए। और अगर वो टूटते रहेंगे मैं उसको अभी रखूँगा नहीं अपने पास, उसको तोड़ते रहूँगा लगाते रहूँगा। जब मेरे पास ढेर सारे हो जाएंगे तब मैं उनका पेपर बना के ट्रेडिंग करूँगा और एमरल्ड ले लूँगा। एमरल्ड से मैं और चीज़ें भी ले सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ उन लोग से। तो मैं यहाँ पर मैंने चेस्ट देखी अपनी, चेस्ट वेस्ट बहुत देख ली, बाहर को चलते हैं अब। तो मैं उन लोग को ब्रेड दे दूँ। ब्रेड देने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इन लोग को खाना खिला दूँ, गैयों को बेचारियों को, गई गाय बकरी, हाँ भेड़ों खाना खाओ, बकरी नहीं है ये, भेड़ है भेड़। हाँ इनके नमूने घूम रहे हैं सैंपल छोटे छोटे, हाँ खाओ खाओ, खुश हो गए भाई, दिल निकल रहा है इनके ऊपर तो समझ लो, खुश हो गए, इनका पेट भर चुका है। तो यहाँ पे इन लोगों ने खाना खा लिया अपना, मैं निकलता हूँ। अब उन लोग को भी ज़रा ब्रेड दे दूँ, ये गरीबों को वो कर देंगे, ये लोग भी ब्रीड कर लेंगे, ब्रीडिंग कर लेंगे, ब्रेड खाएंगे तो ब्रीडिंग कर लेंगे। ले भाई ब्रेड, अरे बिना ब्रेड खाए ये नमूना घूम रहा है इनका, शाबाश। लो ब्रेड लो, अरे कह रहे हैं फेंके हुए ब्रेड नहीं लेंगे हम, वो तो चला गया, इसको देख के आता हूँ। ले ब्रेड खा, रख लो ब्रेड। तो इन लोग को सब मैंने ब्रेड ब्रेड दे के अच्छी खासी ब्रेड दे दी थी। और यहाँ पे आ गया मैं सामान तोड़ने, सामान वामान तोड़ के मैंने आया यहाँ पे, मैंने थोड़े बहुत वो लगा दी थी उनकी सीट, और थोड़ी बहुत मेरे पे मिली थी अंदर रखी थी, मैं वो भी ले आया, मैंने ये भी लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी सीट लगा दी, और सीट की अब कोई जगह भी नहीं थी, ना सीट थी मेरे पास ना जगह थी। तो मैंने इसको ऐसे करा, इसको करने में मज़ा आता है मेरे को, मैं इसलिए कर रहा था। तो यहाँ पे मैं ये कर ही रहा था और फटाक से मैंने ये कर दे, अरे हो क्यों नहीं रहा मेरे भाई, हो जा। और यहाँ पे ये हो गया, अब चलते हैं अंदर, अब अपनी हो लेके आएंगे गोल्डन वाली हो, और उससे फिर से सही कर दूंगा मैं। टूट गई, मैं तोड़ना ही चाह रहा था गोल्डन वो, तो टूट गई, तो गोल्ड वाली चीज़ जल्दी टूट जाती है। तो चलो भाई हमारा सब कुछ हो गया था, अब चलते हैं हम लोग माइनिंग के लिए, काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग माइनिंग करना ज़रूरी है ताकि हमारे पास थोड़ा बहुत कॉबल हो जाए, कॉबल स्टोन हो जाए इकट्ठा, थोड़ा बहुत ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, हाँ कॉबल स्टोन इकट्ठा हो जाए, आयरन मिल जाए, थोड़ा गोल्ड मिल जाए, डायमंड डायमंड तो खैर मिलेंगे नहीं,
अभी मेरे को तो लगता नहीं है कि डायमंड वायमंड मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टोन की पिकेक्स वगैरह बना ली थी ऊपर क्राफ्टिंग टेबल रख के। तो गाइस मैं एक केव के अंदर आ गया था, हमें एक केव मिल चुकी थी। तो मैंने चलो भाई केव मिल गई, अब तो गोल्ड मिल ही जाएगा। आज हम लोग पूरी गोल्ड ढूंढने की तलाश में थे, हम पूरी 100% पूरा बना के आए थे कि हमें गोल्ड मिलेगा, ये पूरी होप थी हमें। तो हम लोग सबसे पहले गोल्ड तो मिला नहीं, मेरे को कोल मिल गया। मैंने चलो कोल ही तोड़ते हैं, कोल की बहुत ज़रूरत होती है यार इसके अंदर। तो मैंने टॉर्च लगाई ताकि मेरे को दिखे सही से, दिखता नहीं है यार अंधेरे में। एक तो रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग करने के बाद जब देखो तब सही दिखेगा, और जब गेम खेल रहे होते हैं तब सही से रोशनी नहीं आती है, तो इतना दिखता नहीं है। चलो कोई नहीं, वो तो छोड़ो। क्या तो यहाँ पे जितना कोल मेरे को मिला मैंने यार सारा तोड़ा। तो यहाँ पे मैं कोल तोड़ ही रहा था, तो ऐसे कोल अंदर था और इसमें काफ़ी कोल मिल गया था मेरे को, साइड काफ़ी कोल था। और है भाई, और है कोल है। तो हमें कोल मिल गया, और चलो भाई अच्छा खासा रहे, ये बचा भी है, अभी तो बचा है कोल, काफ़ी कोल है यार, काफ़ी कोल है। तो यहाँ पे मिल गया, और कोल भी था क्या? अरे क्रीपर दादा, तुम तो बेड़ा फटते हो सीधा, इसलिए तुमसे दूरी बनाए रखना ही बढ़िया है। तुमसे जितनी दूरी बनाए रखें उतना हमारे लिए बढ़िया है। कहाँगा है क्यों चच्चा? कहाँगा? चलो डर के भाग गया लग रहा हमसे ये, हम तो डरते नहीं उससे, वो हमसे डर के भाग गया। अब नीचे चलते हैं, टॉर्च लगाई और नीचे कूद जाएंगे अब हम। तो यहाँ से नीचे कूदा हूँ फटाफट से, एक और जब मारता हूँ कि कहाँ से किसकी आवाज़ आई है। चलो छोड़ो, आई होगी। अरे नीचे हैं भैया, ज़ॉम्बी हैं। अरे उसने तीर मारने भी शुरू कर दिए, फील्ड है बेटा हम पे, निशाने देख रहे हो। अरे हो गई, इन दोनों की लड़ाई हो गई उधर, उन दोनों की लड़ाई हुई। मैंने चलो तुम लोग आपस में लड़ मर के लड़के मर जाओ, हम लोग आगे निकलते हैं। हम लोग अपना गोल्ड ढूंढने आए हैं, गोल्ड और आयरन। तो यहाँ से मैं नीचे जा रहा था, लावा भी काफ़ी है स्केप में, अगर गिरे तो भयंकर जल जाएंगे, और हमारे जितना आयरन उरन हमें मिला है सब शायद चले जाए। एक अरे एक आयरन मिल भी गया भाई हमें, आयरन तो उस टाइम मिला नहीं था, अब मिला है तो अच्छा खासा आयरन मिल गया। 4, 5, 6, 7, 8, 8-9 आयरन मिल गए। और ये तो मैं फटाक से ऊपर आया मैंने, और यहाँ पे इसे खोदता हूँ, और यहाँ पे भी गड्ढा था, वो तो अच्छा हुआ मैंने इस बार ही नहीं गिरा। तो गाइस मुझे शिफ्ट दबा के काम करना पड़ेगा, काफ़ी गिर रहे हैं इसमें केव में यार, बड़ी दिक्कतें होती हैं, कहीं भी गड्ढा कहीं से भी लावा आ जाता है। तो आगे मेरे को थोड़े बहुत और आयरन मिल चुके हैं, और लावा भी है, कोल भी है, काफ़ी कुछ है आगे। तो पहले तो मैंने अपना खाना खाया, हेल्थ फुल करी, और टॉर्च थी यहाँ पे, मैंने टॉर्च लगा देते हैं चलो। और अब तो टॉर्च की खैर ज़रूरत है नहीं, इतनी लावा है, लावा की रोशनी आएगी। तो मैंने यहाँ से जाने की सोची, मैंने सोचा चलो यार रोशनी छोड़ो, कहीं गिर गए तो मर जाएंगे, उससे अच्छा मैं पत्थर रखते हैं और लावा बंद कर देते हैं चल के। तो ये देखो ये ज़ॉम्बी, हाँ आ जा बेटा आ जा, ऊपर चढ़ गया, उड़ उड़ के आ गया, क्या करके आएगा? तो ये तो आ नहीं पाएगा हमें मारने, अच्छा है ना ये अभी दूध पीता। हम लोग लावा बंद करते हैं चल के। अरे भैया फटाक से चलो फटाक से, मैं सोच रहा था कि पानी डाल दूं, मगर मैंने पानी का ऑप्शन कैंसिल कर दिया, वरना क्या होता कि ऊपर से लावा सोर्स तो था, लावा तो गिरती रहती, नीचे की लावा तो कॉबलस्टोन बन जाती, फिर वो नीचे लावा गिर जाती, ऐसे ही होता रहता। सच अच्छा मैं इधर आ गया, मैंने सोचा अब इधर पे डाल देता हूँ लावा, लावा पे पानी। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया और सारा लावा बुझ जाएगा बराम, डरने वाली कोई बात है नहीं सर।
अब यहाँ से आराम से माइनिंग करते करते जाएंगे हम लोग और देखेंगे कुछ मिल जाए। गोल्ड दिख रहा है गाइस, मेरे को गोल्ड दिख गया गाइस। तो गाइस हमें गोल्ड दिख चुका है, अब हम चल रहे हैं गोल्ड के पास, गोल्ड माइनिंग, गोल्ड गोल्ड। और ये देखो उससे वो बन गया लावा और पानी से नेदर पोर्टल के लिए ऑब्सीडियन हमें मिला था गाइस बहुत पहले वीडियो में। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमें एक वीडियो में मिल चुका है, विलेज में मिला था हमें। तो गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो दिख गया गोल्ड, गोल्ड मिल चुका है गाइस हमें अच्छे से। अब हम चल रहे हैं इधर गोल्ड को तोड़ेंगे, पानी डाल देता हूँ। देखो अगर मैं उधर पानी डालता तो ऐसा होता, नीचे नीचे लावा हो जाता लेकिन लावा चलता ही रहता। मैंने फिर से डाल के दिखाता हूँ और देखो आगे आगे को, फिर मैंने यहाँ को डाला, फिर मैं डर गया, मैंने पहन कर कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, तो मैंने फटाक से कॉबल स्टोन की एक वॉल खड़ी कर दी। ये तो लेवल में आ रही थी, मैंने आएगा तो इधर भी आ सकता है, मैं डबल लेयर कर दी, दो हाइट की बना दी थी मैंने वॉल। अब नहीं आ पाएगा लावा, हम सेफ हैं। अब हम यहाँ पे गोल्ड तोड़ते हैं आयरन की पिकेक्स से, स्टोन की पिकेक्स से नहीं टूटेगा, आयरन से ही टूटेगा। तो यहाँ पे मैंने तोड़ दिया था, मैंने अब क्राफ्टिंग टेबल बनाई क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम थी पिकेक्स की। मैंने चलो एक फर्नेस बनाएंगे अपनी, एक पिकेक्स बना लेंगे। तो मेरे पास स्टोन काफ़ी कम थे, स्टोन मेरे पास थे नहीं इतने, कॉबल स्टोन चार ही थे। तो मैंने यहाँ पे ये वाले स्टोन, डार्क स्टोन होते हैं, कौन से होते हैं डार्क कॉबल स्टोन, ये मैंने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। डीप स्टोन होता है शायद ये, तो मैंने यहाँ पे इसको खोदना स्टार्ट कर दिया, मैंने इसी से बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस खोद लिया था अच्छे से। अब मैं फटाक से गया क्राफ्टिंग टेबल पे और मैंने अपने लिए एक फर्नेस बना ली ताकि मैं अपने आयरन आयरन रॉ आयरन को आयरन इंगट में कन्वर्ट कर सकूं और अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स बना सकूं। तो यहाँ पे हमने रख दिया था और आयरन पकाने रख देते हैं। चलो बेटा आयरन पको तुम, हमारे पास कोल तो था ही, मिल गया था। तो जब तक ये आयरन पक रहा तब तक मैं थोड़ी बहुत माइनिंग ही कर लेता हूँ, शायद हमें और गोल्ड मिल जाए। तो मैं यहाँ पे माइनिंग कर ही रहा था और मेरे को देखो गाइस क्या मिला। और ये भाई कसम से, बट मैंने सोची नहीं थी मेरे को डायमंड मिलेगी, और डायमंड मिल गया हमें, और हमें ज़िंदगी में पहली बार डायमंड मिला। गोल्ड हमें मिल गया तो, और ये डायमंड पहली बार मिला। मैंने सबसे पहले साइड ओवर क्लियर करा, फिर मैंने डायमंड तोड़ा, अपने बहुत खुश हो गए, दिल खुश था। और एक डायमंड की कीमत तुम क्या जानो, कितनी मुश्किल से मिला है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत खोदने की कोशिश करी, मैंने शायद थोड़े बहुत और मिल जाए, मैंने सोचा, थोड़ा लालच आ गया था मन में, मैंने चलो देखते हैं खोद के कोई दिक्कत हो ना हो रही है। तो यहाँ पे मैंने खोदे फटाक से, और यहाँ पे जो मैंने सोचा था लालच मेरी सफल करी, लालच सफल करी, हाँ जो भी हुआ हमें डायमंड मिल गया। खैर यहाँ पे हमें चार डायमंड मिल चुके थे, अब तो दिल खुश था, अब तो चाहिए ही नहीं कुछ, हम सीधा घर जाएंगे और अपने लिए एक पिकेक्स बनाएंगे। और भाई चार नहीं पांच, हमारे पास टोटल छह डायमंड हो जाएंगे अब, फटाक चार पांच और ये छठा डायमंड। तो गाइस हमारे पास छह डायमंड हो चुके थे, पूरे के पूरे छह डायमंड। अब दिल काफ़ी खुश था, अब दिल काफ़ी खुश था, और हमने सोचा चलो भाई बहुत हो गया, अब चलते हैं घर को, अब इससे ज़्यादा माइनिंग करनी नहीं है, कहीं पता चले मर मरा जाए, लावा वावा में गिर जाए, सारा हमारा डायमंड सब वेस्ट जाए। तो यहाँ पे मैंने आयरन बनाया, अपना इंगट उठाया और आयरन की पिकेक्स बना ली एक। तो मेरे पास स्टिक थी नहीं, तो मेरे पास प्लैंक्स रखे थे, वुडन प्लैंक्स थे, तो मैंने प्लैंक्स से स्टिक्स बना ली चार, बहुत है, चार स्टिक्स बना ली और मैंने एक पिकेक्स बना ली। तो हमारे पास एक पिकेक्स आ चुकी थी गाइस। तो अब मैंने फटाक से तोड़ा क्राफ्टिंग टेबल अपना, और क्राफ्टिंग टेबल तोड़ा उसके बाद मैंने तोड़ा फर्नेस।
यहाँ पे फर्नेस छोड़ के मैं सीधा घर पे आया, और घर पे आया तो मैंने अपने लिए सबसे पहले एक पिकेक्स बनाई डायमंड की। और पिकेक्स बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो काफ़ी सोचने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि एक एन्चेंटिंग टेबल क्यों नहीं बनाई जाए। तो मैंने एक एन्चेंटिंग टेबल बना ली और मैंने छत पर रख दी। मगर मैंने छत पर रखी तो मैंने काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली में रख दी। तो मैंने यहाँ पे ये मेरा जो पिलर था मैंने इसके अंदर रखने की सोची, और मैंने इसके अंदर की पहले तो लेयर बनाई रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं रखी और बीच में सेंटर में रख दी, देख के सेंटर में रख दी, और यहाँ पे सही लग रहा था काफ़ी। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं ब्रेक।